हे गाइस, तो आज का वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम ने जो दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एक है व्हाइट का और एक है ब्लैक का, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और इसका चार्जेस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ आपको बताऊंगा, इसे अप्लाई कहां से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ आज के वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हाय, मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग यहां पे देख रहे हैं, दो कार्ड है यहां पे, एक है ब्लैक क्रेडिट कार्ड और एक है व्हाइट का क्रेडिट कार्ड, एक है यहां पे एसबीआई कार्ड और एक है एसबीआई कार्ड सिलेक्ट, ये दो कार्ड है। दोनों के बारे में डिफरेंस बाद में आपको बताऊंगा। तो यहां पे जान लेते हैं, गेट अप टू 5% अनलिमिटेड कैशबैक यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो दूसरे बैंक में जो क्रेडिट कार्ड होता है, एक दो साल के लिए कैशबैक होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ये नहीं होगा, ये अनलिमिटेड है, ये अप टू 5% का कैशबैक हमेशा के लिए रहेगा। मैनेज योर कार्ड विथ स्मार्ट फीचर्स ऑन पेटीएम ऐप, ये पेटीएम ऐप से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड सबके लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए एलिजिबल है, वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, 75,000 का बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अप टू 5% कैशबैक जो है कहाँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे अप टू 5% अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ पे आपको पेटीएम मॉल, मूवी टिकट या फिर ट्रैवल में, जो पेटीएम मॉल में जो यूज कर रहे हो, मूवी टिकट और ट्रैवल में, इसमें सिर्फ 5% कैशबैक मिलेगा और बाकी का 2% कैशबैक ऑन पेटीएम ऐप स्पेंड्स, यानी कि आप पेटीएम ऐप से कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह करते हो तो 2% यहाँ पे आपको कैशबैक देखने को मिलेगा और 1% कैशबैक जो है ऑन ऑल स्पेंड्स। तो यानी कि आप ऑफलाइन और बाकी के जगह में आप यूज कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन बाकी के जगह पे जो यूज कर रहे हो, 1% का कैशबैक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और नॉट वैलिड टू वॉलेट लोड एंड फ्यूल स्पेंड, यानी कि आपके वॉलेट में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा और फ्यूल, आप जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हो तो यहाँ पे आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, योर कैशबैक इज ऑटोमेटिकली ऐड टू योर पेटीएम गिफ्ट वाउचर बैलेंस, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक मिलेगा वो कैशबैक आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर बैलेंस में रहेगा, वो बैलेंस को आप रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो या फिर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा को लेना चाहते हैं पेटीएम गिफ्ट वाउचर का बैलेंस को, तो यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है कि आप अपना गिफ्ट वाउचर बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे बता दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और गाइस, इस कार्ड को आप ये सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, और यहाँ पे ये कार्ड से आप एटीएम से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और यहाँ पे पेटीएम फास्ट का जो मेंबरशिप है आपको फ्री में मिल जाएगा। इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद आपको पेटीएम फास्ट मेंबरशिप के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो ये पेटीएम फास्ट मेंबरशिप आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, आपका कार्ड अगर साइबर क्राइम में फंस जाता है, यानी कि आपका कार्ड हैक हो जाता है, तो आपको 1,00,000 तक का इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपका SBI कार्ड है तो 1,00,000 का इंश्योरेंस मिलेगा, अगर आपका SBI कार्ड सिलेक्ट है तो यहाँ पे आपको 2,00,000 का इंश्योरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और गाइस, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल, मैनेज योर कार्ड विथ इंटेलिजेंट फीचर्स इन योर पेटीएम ऐप, यानी कि आप पेटीएम ऐप से ये कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपका कार्ड को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं ये कार्ड को, और यहाँ पे कार्ड रीयूज भी कर सकते हैं, अपनी पेटीएम एप्लीकेशन में ही कर सकते हैं ये कार्ड को। और यहाँ पे ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स के बारे में, अभी जानते हैं FAQ। तो चलिए जानते हैं SBI कार्ड और SBI कार्ड सिलेक्ट के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, नीचे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप SBI कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 499 रुपीज़ का फीस यहाँ पे आपको लगेगा, यानी कि 499 रुपये आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो, आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन करें या ना करें, हर साल आपको 499 रुपये का यहाँ पे आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। और यहाँ पे आप SBI कार्ड सिलेक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ीस लगेगा 1499 रुपये, यानी कि 1499 रुपीस आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं SBI कार्ड में क्या ऑफर है। यहाँ पे SBI कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट्स, यहाँ पे पेटीएम फास्ट मेंबरशिप फ्री में मिल जाएगा, आपको पेटीएम फास्ट मेंबरशिप के लिए 750 रुपये पेमेंट करना पड़ता है एक साल के लिए, तो यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। आप अगर ये SBI कार्ड अप्लाई करने के बाद फास्ट सेटलमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो 15 वर्किंग डेज के अंदर ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको SBI कार्ड सिलेक्ट में यहाँ पे वेलकम बेनिफिट्स टैप यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पेटीएम फास्ट मेंबरशिप 750 रुपये की यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 750 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक आपको पेटीएम
गिफ्ट वाउचर बैलेंस में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, अगर आप SBI कार्ड सिलेक्ट में एक साल में 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको एनुअल फ़ीस भरना नहीं पड़ेगा। एक साल में जो आप 1499 रुपये का एनुअल फ़ीस भरते हैं, 2 लाख तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये फ़ीस भरने को नहीं पड़ेगा। जैसे कि SBI कार्ड में आपको ये फ़ीस हर साल भरने को पड़ेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, हर साल आपको 499 रुपये भरना पड़ेगा ही। और यहाँ पे आपको कैशबैक के बारे में चलो बताता हूँ। यहाँ पे SBI कार्ड में आपको कैशबैक ये सारे देखने को मिलेगा। SBI कार्ड में आपको 3% का कैशबैक मिलेगा ट्रैवल, मूवी टिकट एंड मॉल वाउचर। आप पेटीएम मॉल में कोई यहाँ पे परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 3% का कैशबैक मिलेगा, ट्रैवल एंड मूवीज़ में भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे 2% का कैशबैक जो है पेटीएम में अदर काम में यूज करते हैं, यानी कि बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा आप पेटीएम में यूज करते हैं ये कार्ड को। और 1% का कैशबैक आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा, आप ATM कार्ड से पैसा विड्रॉ करते हो या फिर ऑफलाइन में कोई काम करते हो, अदर्स एप्लीकेशन में यूज करते हो तो आपको 1% का कैशबैक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्यूल में आपको 1% कैशबैक मिलेगा, यानी कि आप अगर फ्यूल में यहाँ पे 500 से 3000 तक फ्यूल भरते हैं तो यहाँ पे 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, आप 500 से 4000 तक यहाँ पे फ्यूल भरते हैं तो 1% का यहाँ पे कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा SBI कार्ड में। आपका अगर SBI कार्ड हैक हो जाता है तो 1 लाख का इंश्योरेंस आपको क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लाख तक इंश्योरेंस आपको मिलेगा। और यहाँ पे SBI कार्ड सिलेक्ट में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। आपका कार्ड अगर हैक होता है तो SBI कार्ड सिलेक्ट में आपको 2 लाख मिलेगा, SBI कार्ड में आपको 1 लाख का आपको इंश्योरेंस में यहाँ पे आपको क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे मिलेगा। और गाइस यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं SBI कार्ड सिलेक्ट में आपको ये ऑफर मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास आपको जो $99 लगता है ये आपको फ्री में मिलेगा, तो यहाँ पे 4 बार आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप SBI कार्ड में ये देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पेटीएम फास्ट मेंबरशिप जो है, आप अगर 1 लाख तक आप SBI कार्ड में ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको रिन्यू देखने को मिलेगा। 1 साल के बाद फिर से आपको रिन्यू मिलेगा, पेटीएम फास्ट मेंबरशिप फिर से आपको फ्री में मिल जाएगा 1 लाख तक आप 1 साल में ट्रांजेक्शन करते हैं तो। और SBI कार्ड सिलेक्ट में आप यहाँ पे 1 साल तक यहाँ पे आप 4 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2000 का गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा, गिफ्ट कार्ड यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा 2000 रुपये। तो यहाँ पे आप अगर 6 लाख तक ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पेंड करते हैं SBI कार्ड सिलेक्ट में, तो 4000 का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा, गिफ्ट कार्ड का वाउचर यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन नीचे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया है पेटीएम SBI कार्ड और पेटीएम SBI कार्ड सिलेक्ट के बारे में जानकारी, दोनों में अंतर क्या है और यहाँ पे बेनिफिट्स और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। तो अभी जानते हैं इसे अप्लाई कहाँ से करें। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन में जाना है, जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑल सर्विस में जाना है। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बताएगा आपने अभी तक अपना क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर है चेक नहीं किया तो चेक करवा लो। तो यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया हूँ। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑफर देगा, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए ये एलिजिबल नहीं है, जो पेटीएम हर टाइम यूज़ करता है, अच्छे से यूज करता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसके लिए ये एलिजिबल है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, आप पहले जाकर चेक कीजिए। क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला नहीं हूँ अभी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट पड़ेगा, सारा कुछ यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिलहाल आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।